नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल घरेलू उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के लिए आपके लिए जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो है गूगल के बारे में। हाँ दोस्तों, ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको गूगल पे कभी सर्च नहीं करनी चाहिए, वरना आपको मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। हाँ दोस्तों, आज ऐसी ही कुछ बातों के बारे ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो आपको गूगल पे सर्च नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा YouTube चैनल घरेलू उपाय अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसे नुस्खे, ऐसे टिप्स और ऐसे उपाय लेकर आते रहते हैं, या ऐसी जानकारियाँ लेकर आते रहते हैं जो आपके जीवन को सरल और सुखमय बनाने में बहुत ही कारगर होते हैं। तो दोस्तों, हमारा YouTube चैनल घरेलू उपाय तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आइए आते हैं अपने टॉपिक पर, ऐसी बातें जो आपको गूगल पर कभी सर्च नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपको मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। किसी भी विषय संबंधित जानकारी के लिए हम गूगल का रुख सबसे पहले करते हैं, करे भी क्यों ना, दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन जो है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिन्हें गूगल पर सर्च करने पर आप परेशानी में आ सकते हैं, यह है वो 6 चीजें जिसे आप गूगल पर सर्च ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है। सॉरी, 6 चीजें नहीं है, 5 चीजों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। पहला चीज है अपराध संबंधित जानकारियों के बारे में सर्च। जी हाँ दोस्तों, गूगल पर आप कभी भी भूलकर कुछ संदिग्ध या संदेहजनक चीजों सर्च ना करें, क्योंकि साइबर पुलिस की नजर अक्सर ऐसे लोगों पर होती है जो कुछ संदिग्ध सर्च कर रहे हैं। चाहे अपने ऐसे ही कोई संदिग्ध साइट पर ही, तो ऐसा करने पर हो सकता है कि आपको हवालात की हवा खानी पड़े। दूसरा जो है अपनी आइडेंटिटी से जुड़े सर्च। गूगल सर्च में यह सुविधा होती है कि आपके सर्च के अनुसार आपकी पहचान पता करने के लिए सर्च करते हैं, क्योंकि गूगल के पास आपकी सर्च हिस्ट्री का पूरा डाटा होता है। ऐसे में कई बार जानकारी लीक होने का खतरा होता है। इसके अलावा आपकी पहचान को सर्च के आधार पर ही आपके विज्ञापन भी भेजे जाते हैं। तीसरा, मेडिकल और ड्रग से संबंधित जानकारी। जब आप गूगल पर बीमारी और मेडिसिन से जुड़ी कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो यह डाटा थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस आधार पर आपको उस बीमारी का पता या ट्रीटमेंट संबंधित विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इसके बाद जब यह मेडिकल जानकारी क्रिमिनल वेबसाइट को भी शेयर की जाती है, ये मेडिकेट फ्रॉड या ये मेडिकल वेबसाइट जो होती हैं फ्रॉड तथा अन्य कई स्कैम के उपयोगी होती हैं। तो दोस्तों, चौथा जानिए आप, चौथी चीज़ जो हमें गूगल पे सर्च नहीं करनी चाहिए, गूगल पर असुरक्षा से जुड़ी कोई भी जानकारी यदि आप सर्च करते हैं तो आपके पास उससे संबंधित विज्ञापन आने शुरू हो जाते हैं, जिससे आप यह जान सकते हैं कि कोई आपके इंटरनेट पर फॉलो कर रहा है। यदि आप चाहते हैं कि असुरक्षा से जुड़े विज्ञापन आपके परेशान ना करे तो इसके लिए आप गूगल पर इसे सर्च ना करें। ईमेल आईडी भी आपको सर्च नहीं करनी चाहिए। अपनी पर्सनल ईमेल लॉगिन को गूगल पर सर्च करने से परहेज करें। ऐसा करने पर आपका अकाउंट हैक या पासवर्ड लीक होने की समस्या होती है, जिसके बाद आपकी ईमेल आईडी के माध्यम से आप किसी स्कैम से भी फंस सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको गूगल
गूगल पर कभी सर्च नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आप फंस सकते हैं। आशा करता हूँ आपको दी गई जानकारी मेरे द्वारा जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर करें। और दोस्तों, अगर आपके मन में इससे जुड़ा कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट में लिखकर बताना बिल्कुल भी ना भूले। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा YouTube चैनल घरेलू उपाय अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसे नुस्खे, ऐसे टिप्स, ऐसे उपाय लेकर आते रहते हैं जो आपके जीवन को सरल, सुखमय बनाने में बहुत ही कारगर होते हैं। तो दोस्तों, हमारा YouTube चैनल घरेलू उपाय तुरंत सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।